हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चले जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जी एवरेज ड्यू डेट। अब ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं, तो इस टॉपिक की जो प्रैक्टिकलिटीज आई है, इस टॉपिक की जो इम्प्लीकेशंस है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। रियल लाइफ में ये टॉपिक अब अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि इस टॉपिक को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ने रिप्लेस कर दिया। इस टॉपिक में जनरली हम सीखेंगे डेट कैलकुलेशन, कि डेट किस तरीके से निकाली जाएगी और उस डेट के बेस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी। ये सारा काम अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट, तो एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं एवरेज ड्यू डेट के बारे में। देखिए, एवरेज मतलब जब हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं, उनके एक बीच का पॉइंट, उनके एक बीच का पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं एवरेज। टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज ड्यू डेट। मतलब हमें अलग अलग ड्यू डेट्स गिवन है और अलग अलग ड्यू डेट में से हमें एक डेट पिक करके चलनी है जिस डेट के ऊपर हम अपनी पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब मान लो दो पार्टीज हैं, ए और बी। ठीक है, अब ए ने बी से कुछ खरीदा, बी ने ए से कुछ खरीदा। ठीक है, दोनों की आपस में क्या होती है? ट्रांजेक्शन होती है। तो ए को भी बी को अलग अलग टाइम पर पेमेंट करनी है और सेम बी को भी ए को अलग अलग टाइम पर पेमेंट करनी है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है कि भाई नेट में कितना लेन देन करना है, लेकिन हम एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं या एक एक ऐसी डेट निकाल के चलते हैं जिस डेट पर हम अपने अकाउंट को सेटल कर दें, सो दैट दोनों ही पार्टी को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। अब बात आती है, सर ये क्या बोल रहे हो आप कि नुकसान ना हो? नुकसान कैसे हो सकता है? देखिए सर, अगर मान लो मुझे आपसे कुछ पैसे लेने हैं, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल लोन दिया है, ठीक है, और आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं और वो अलग अलग डेट्स पर देने हैं, मैं आपको क्या कहता हूं? मैं आपको कहता हूं आप एक काम करो, आप मुझे अलग अलग डेट्स पर ना देकर अलग अलग डेट्स की एक डेट पिक कर दो और उस डेट पे मेरा पूरा पैसा लौटा दो, सो दैट आपको भी कोई लॉस ना हो और मुझे भी कोई लॉस ना हो। अब बात आएगी सर, लॉस किस चीज का? देखिए, लॉस होता है जी इंटरेस्ट का। अब अगर आप मुझे एक टाइम पर पैसा दोगे, तो आप ये बोलोगे ना, सर अगर मैं सारा पैसा स्टार्टिंग में ही आपको दे दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। मुझे क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि मुझे आगे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आप एक काम करो, सारा पैसा मुझे एंड में दे देना, तो आपको नुकसान है। क्या आपको नुकसान है? कि सर आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए बोला कि एक डेट पिक करके चलते हैं, ना तो मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो, मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, मुझे इंटरेस्ट इनकम का लॉस ना हो, और आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का लॉस ना हो। तो मतलब एक डेट ऐसी पिक कर लो जहां पर हम दोनों का एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। ब्रेक इवन समझते हो? ब्रेक इवन मतलब नाइदर पार्टी इज एट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाए। ठीक है, अब वो डेट कैसे निकाली जाएगी वो चीज हमें यहां पर सीखनी है। डेट निकल जाएगी तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट को, नोट्स को लिखना शुरू करते हैं। लिखे जी। हाँ जी, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक का नाम एवरेज ड्यू डेट। देखो जी, इट मींस एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स, इट इज कैलकुलेटेड सो दैट वेरियस डेट्स कैन बी क्लब्ड, वेरियस डेट्स कैन बी क्लब्ड इनटू अ सिंगल डेट, इनटू अ सिंगल डेट एंड All calculations and all calculations for interest
ऑल कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट इज डन एज पर न्यू डेट, इज डन एज पर न्यू डेट। हाँ जी, अब देखिए ये क्या कहता है, मीनिंग अगर इसका पढ़े तो क्या कहता है, इट मींस एवरेज। एवरेज किसकी? वेरियस ड्यू डेट। जब हमारे पास मल्टीपल क्या आ जाती है, ड्यू डेट्स आती है, अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, उन सब की एवरेज। इसको कैलकुलेट करते हैं किस लिए? सो दैट अलग अलग डेट्स, जो जितनी भी हमारी अलग अलग डेट्स हैं, इनको हम क्लब कर दें इनटू अ सिंगल डेट, एक सिंगल डेट में उन्हें क्लब कर दें, और सारी की सारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सारी की सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस नई डेट के हिसाब से हो जाए, सारी की सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस नई डेट के हिसाब से हो जाए। दिस इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट। अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसके हमारे लिखने पड़ेंगे स्टेप्स। तो लिखिए जी स्टेप्स। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एवरेज डेट, हाउ टू फाइंड एवरेज डेट। देखिए जी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका क्या है फॉर्मूला है कि एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी? इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। अब बात आती है सर ये फॉर्मूला क्या कहता है, अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे फॉर्मूला क्या कहता है, पहले अभी इसके कंटेंट्स को और लिखते हैं। लिखो, नोट करके लिखो, नोट, एक सेकेंड। नोट करके लिखो, बेस डेट कैन बी एनी डेट सेलेक्टेड, बेस डेट कैन बी एनी डेट सेलेक्टेड। आप किसी भी डेट को बेस डेट मान सकते हो, कोई भी डेट, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो चाहे वो क्वेश्चन में ना गिवन हो, आप किसी भी डेट से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसलिए क्या लिख दिया गया कि सर बेस डेट कैन बी एनी डेट सेलेक्टेड, कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आसान रखनी है तो क्या लिखेंगे हम, प्रेफर्ड डेट, प्रेफर्ड डेट शुड बी फ्रॉम डेट गिवन इन द क्वेश्चन, प्रेफर्ड डेट शुड बी फ्रॉम डेट गिवन इन द क्वेश्चन, अर्लीएस्ट डेट, अर्लीएस्ट डेट। वो कह रहा है जो अगर आपको कैलकुलेशन आसान रखनी है तो बेस डेट, देखो बेस डेट तो कोई भी डेट हो सकती है, बेस डेट में कोई ऐसे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि बेस डेट कौन सी ले, यू कैन टेक एनी डेट एज बेस डेट, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो चाहे वो क्वेश्चन में ना गिवन हो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन रखनी है आसान तो आपको बेस डेट को क्वेश्चन में से ही लेना पड़ेगा, और सबसे पहली जो सबसे अर्लियर डेट दे रखी हो उसको बेस डेट ले लो। बात समझ में नहीं आ रही सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों बोला। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखो कि सर क्वेश्चन में जो डेट गिवन हो उनमें से जो भी अर्लीस्ट आपको डेट दिखती है उस डेट को बेस डेट ले लो, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान, टाइम भी बचेगा आपका। अब ये कोई रूल नहीं है कि ये चीज इस तरीके से हमें कर दी है, ये सब देखो छोटी छोटी ट्रिक्स है टाइम बचाने की। आगे लिखो, नोट, डेज शुड बी काउंटेड
डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ डेज डेट. डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ बेस डेट अप टू ड्यू डेट. अप टू ड्यू डेट. When counting first day of the year, then include ये लिखना. When counting from first date of the year, then include first day also. अब एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी? देखो नंबर ऑफ डेज आपको निकालने होते हैं बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक, बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक. तो बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक अगर आपको डेज कैलकुलेट करने हैं, तो डेज काउंट कहां से करना शुरू करोगे? बेस डेट को इंक्लूड नहीं करना, उसके नेक्स्ट डे से, उसके नेक्स्ट डे से आपको डेज कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने शुरू करने हैं, और अप टू द ड्यू डेट तक आपको जाना है. मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल डेट मैंने पिक करी बेस डेट 27 मार्च और आपकी ड्यू डेट है 15 जून, तो 28 मार्च से लेकर, 27 को काउंट नहीं करना, 28 मार्च से लेकर 15 जून तक जितने भी नंबर ऑफ डेज बनते हैं वो सारे के सारे आपके नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हो जाएंगे. लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अपना काम साल के पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट अप्रैल से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट अप्रैल को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. अभी और डिटेल में जाएंगे इस पे, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट था इसलिए मैंने आपको डेज कैलकुलेशन समझा दी. आगे देखो नोट. वेन एवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेन एवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर गिवन एंड ड्यू डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड, एंड ड्यू डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड, देन एड 3 days ऑफ ग्रेस, देन एड 3 days ऑफ ग्रेस. इसको हाईलाइट कर लेना 3 days को. वो कहता है जब भी आपको क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन हो, मतलब बीआरबीपी गिवन हो, तो बीआरबीपी से अगर आपको याद हो तो हम ड्यू डेट निकाला करते हैं. भाई बीआरबीपी की एक डेट होती है और फिर हम निकालते हैं कि ड्यू डेट, मतलब वो बिल आपका मैच्योर कब होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यू डेट निकालने के लिए ग्रेस के 3 दिन और उसमें जोड़ के चलते हैं. तो ये काम आपको यहां पर भी करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन होंगे. तो अगला लिखो नोट. इफ ड्यू डेट इज ऑन संडे, अगर आपकी ड्यू डेट संडे को आती है या फिर किसी पब्लिक हॉलीडे पर आती है, और पब्लिक हॉलीडे देन ड्यू डेट विल बी ऑन अर्लीस्ट वर्किंग डे. क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है कि अगर आपकी ड्यू डेट संडे को पड़ती है या फिर किसी पब्लिक हॉलीडे पे पड़ती है, तो आपकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? एक दिन पहले मानी जाएगी. अर्लीएस्ट वर्किंग डे, अर्लीएस्ट वर्किंग डे. इफ ड्यू डेट इज ऑन सडन हॉलीडे, अगर कोई सडन हॉलीडे आ जाती है, मतलब एकदम से कोई छुट्टी डिक्लेयर होगी और इमरजेंसी, या फिर इमरजेंसी हॉलीडे होती है ना, कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, इमरजेंसी, देन ड्यू डेट विल बी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे. ड्यू डेट विल बी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे. वो कह रहा है अगर ड्यू डेट आपकी
किसी सडन हॉलीडे पे पड़ती है, किसी सडन हॉलीडे पे पड़ती है या किसी इमरजेंसी वाले दिन पड़ती है, तो ड्यू डेट आपकी क्या रहेगी, अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे पर रहेगी। ठीक है जी, बताओ जी ये पॉइंट समझ में आते हैं? सर अभी समझ में गया, अभी तो लिखवा रहे हो। बिल्कुल सर, लिखवा तो रहा हूं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि करना क्या है। हाँ जी सर, आगे लिखिए। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट। सर एडीडी से, एवरेज ड्यू डेट से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो लिखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई पीरियड। अब ये पीरियड कैसे निकलेगा, देखो पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू एवरेज ड्यू डेट। हाँ जी, पीरियड कैसे निकलेगा जी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से एवरेज ड्यू डेट तक का पीरियड निकलेगा। ओके जी, लिख लिया सब चीजें। हाँ जी बताइए जी, आई होप लिख ली होंगी। चलो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है ऑफ एवरेज ड्यू डेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक छोटा सा कंसेप्ट है एक पेज का। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जी एग्जाम्पल, अब इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक क्वेश्चन करोगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करके देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोन लिया, मैंने एक लोन ले लिया जी, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लिया। इंटरेस्ट रेट है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम का मैंने लोन लिया। और ये लोन कब लिया जी, मैंने 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को मैंने ये लोन लिया है। और इसकी जो पेमेंट मुझे करनी है, इसकी जो पेमेंट मुझे करनी है वो करनी है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। समझते हो सर, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब इस 1 लाख रुपए को मुझे 5 बारी में पे करना है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में मुझे 20-20 हजार रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टॉलमेंट 20 के है, हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना रहेगा, 20-20 हजार रुपए का रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस 1 लाख रुपए का मुझे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा, 20-20 हजार रुपए का रहेगा। पहली इंस्टॉलमेंट मेरी कब होगी जी, स्टार्ट हो रही है, लेट अस से 2 साल बात कर लेते हैं, 1 जनवरी 2022 ठीक है जी। फिर उसके बाद आएगा 1/1/23, फिर आएगा 1/1/24, फिर आएगा जी 1/1/25, और फिर आएगा 1/1/1/2/3/4/5/1/1/26 ठीक है जी। तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी मेरी, प्रिंसिपल अमाउंट 20-20 हजार रुपए का, 20 हजार रुपए यहां पर, 20 हजार रुपए यहां पर, 20 यहां पर, 20 यहां पर और 20 यहां पर ठीक है जी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट। सर टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा बताओ जी, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे करते हैं सॉल्व। देखो जी सॉल्यूशन, अभी मैं कोई एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डाल रहा, मैं एक आपसे जनरल बातें कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ यह बता दो कि मुझे कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, तो मुझे बताओ पहला 1 लाख रुपए पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा, 1 लाख रुपए पे 12% का इतना इंटरेस्ट लगेगा कितने साल का, मुझे बताओ कितने साल का, इस 1 लाख रुपए पे 12% का ब्याज लगेगा कितने साल का सर,
ये 2 साल का ब्याज लगेगा। कितने साल का लगेगा? 2 साल का ब्याज लगेगा। उसके बाद सेकंड देखो, 20,000 रुपये पे हो जाएंगे, फिर कितने बचेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग? 80,000 रुपये। फिर 80,000 रुपये 12% का इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए। कैसे 1 साल? सर यहां से यहां तक 1 साल। थर्ड, 80,000 रुपये, सॉरी 80 नहीं, फिर आपका रह जाएगा 60, फिर 20,000 रुपये कर दोगे तो 60,000 पे 12% अगेन 1 साल का। फिर 40,000 पे 12% अगेन 1 साल का, और लास्ट में आपका आ जाएगा जी 20,000 पे 12% अगेन 1 साल का। बताओ जी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बताओ जी इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? बोलो जी, ये आपका निकलेगा 1 लाख का 12% 2 साल का, ये आपका आ जाएगा 24,000 रुपये, ये आपका आ जाएगा 9,600, ये आ जाएगा 7,200, ये आ जाएगा आपका 4,800, और ये आ जाएगा आपका 2,400। बताओ जी इस तरीके से अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये टोटल आपका कितना आता है? ये आता है आपका 6, 7, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 0, 6, 15, 15, 22, और 4, 26, 28, 48,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट आया। 48,000 का आपका क्या आ गया जी? टोटल इंटरेस्ट आ गया इन दिस केस। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन तो बहुत बेसिक थी, इसमें तो कोई ज्यादा कुछ कंसेप्ट वाली बात नहीं थी, नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम करते चले आ रहे हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को एवरेज ड्यू डेट वाले कंसेप्ट में मिला के देखता हूं। एवरेज ड्यू डेट वाले कंसेप्ट में मुझे बताओ हमारे पास कितनी ड्यू डेट्स हैं? सर ये सारी, ये जितनी भी डेट्स हैं ये हमारी क्या है? ड्यू डेट्स है। क्यों ड्यू डेट्स है? क्योंकि इन इन डेट्स पर तो मुझे पेमेंट करनी है, इन इन डेट्स पर तो मुझे पेमेंट करनी है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि सर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, इन सबके बीच में कोई एक ऐसी डेट पिक करो जिसे मैं बोलूंगा एवरेज ड्यू डेट, कि उस दिन पर अगर मैं पेमेंट करूं, कि अगर उस दिन पर पेमेंट करूं तो मेरा जो ब्याज लगे वो कितना लगे? 48,000 ही लगे। इंटरेस्ट कितना लगे जी? इंटरेस्ट 48,000 का ही लगे इंटरेस्ट। बताओ जी कि जब मेरे पास अलग अलग मल्टीपल, मेरे पास क्या आ रही है? मल्टीपल मेरे पास ड्यू डेट्स आ रही हैं, तो मल्टीपल ड्यू डेट्स में से, इन डेट्स में से मैं एक ऐसी डेट सेलेक्ट करूं कि जिस पे मेरा जो ब्याज है वो कितना लगे? 48,000 का ही लगना चाहिए। अब वो डेट कैसे निकालेंगे? उस डेट को देखते हैं। अब देखो हमारे पास डेट्स क्या हैं? एवरेज ड्यू डेट है हमारे पास 1/1/22 से लेकर 1/1/26 तक। तो इन 5 डेट्स में से मुझे एक डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्या? बेस डेट। इन 5 डेट्स में से मुझे एक बेस डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो जरूरी नहीं है कि इन 5 में से बेस डेट हो, बेस डेट कोई भी हो सकती है। बेस डेट कैन बी एनी डेट, चाहे वो इन 5ों में अवेलेबल हो चाहे वो इन 5ों में अवेलेबल ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको प्रेफरेबली क्या बोला था कि आप बेस डेट किस में से लेना? जो भी डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अर्लियस्ट डेट मतलब अर्लियस्ट डेट दैट इज 1/1/22। आपके क्वेश्चन में ये 5 डेट्स गिवन है, इनमें से सबसे पहली वाली डेट कौन सी होगी? 1/1/22। तो आपने 1/1/22 को क्या मान लिया जी? बेस डेट मान लिया। अब हम बेस डेट से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक निकालने हैं जी? बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक के नंबर ऑफ डेज। तो बेस डेट क्या थी आपकी? सबसे पहली बेस डेट थी हमारी 1/1/22। तो 1/1/22 से लेकर 1/1/22 तक, बताओ जी 1/1/22 से लेकर 1/1/22 तक कितने दिन? सर 0 दिन। यहां पर मैं डेट्स लिख देता हूं हमारी ड्यू डेट्स 1/1/22, 1/1/23, 1/1/24, 1/1/25 and 1/1/26। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डेज, एक काम करते हैं इसको मैं इयर्स में कन्वर्ट करा देता हूं आपको क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास इयर्स में डेटा है, तो नंबर ऑफ डेट्स ऑब्लिक इयर्स ऑब्लिक मंथ्स कुछ भी हो सकते हैं जी। ठीक है, तो 1/1/22 से, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देना कि हमारी बेस डेट क्या है, बेस डेट इज 1/1/22। तो बेस डेट से लेकर आपको ड्यू डेट तक देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज, इयर्स या मंथ्स होते हैं। ठीक है, यहां पर तो 0 हो गए। उसके बाद 1/1/22 से लेकर 1/1/23 तक
कितने नंबर ऑफ डेज होंगे? सर याद रखना 1122 को, अब क्योंकि साल का पहला दिन है तो इंक्लूड आप करोगे, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक साल हो जाता है। 1122 से 24 तक कितने साल हो जाते हैं? दो साल हो जाते हैं। 22 से 25 तक 3 साल हो जाते हैं, और 22 से 26 तक हमारे पास कितने हो जाते हैं? 4 साल हो जाते हैं। अलग अलग ड्यू डेट्स पे आपका अमाउंट कितना कितना ड्यू है, सब पे कितना कितना अमाउंट ड्यू था? 20-20 हजार रुपए का, 20 हजार, 20 हजार, 20 हजार और 20 हजार। अब एक निकालिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा जी? नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट, यहां पर जीरो हो गया, यहां पर कितना हो गया आपका 20 हजार, यहां पर कितना हो गया 40,000, यहां पर हो गया आपका 60,000 और यहां पर हो गया आपका 80,000। ठीक है, इनका टोटल कीजिए, प्रोडक्ट का और अमाउंट का टोटल कीजिए। अमाउंट का टोटल 1 लाख और इनका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, 6, 12, 2 लाख। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट भी निकालना समझ में आया। अब एक बार हम एवरेज ड्यू डेट के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। एवरेज ड्यू डेट बताओ जी, ऊपर देखिए जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था उसका फॉर्मूला क्या था? देखो ये आपका फॉर्मूला था, ये आपका क्या था जी? फॉर्मूला था, क्या कहता था? एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लिखवाया सर? नेगेटिव भी हो सकते हैं कभी भी, कभी कभी कैलकुलेशन नेगेटिव भी हो सकती है, अभी बताता हूं कैसे। प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, इस फॉर्मूले को यहां पर लगाइए। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट आपकी क्या है जी? बेस डेट इज योर 1122 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इज योर 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट कितना जी? 1 लाख। ये नंबर ऑफ इयर्स में क्वेश्चन कर रहे थे तो वो कहता है 1122 में आप ऐड कर दीजिए 2 इयर्स। ऐड क्या कर दिए? 2 इयर्स। ये इयर्स में क्यों है? क्योंकि मैंने यहां पर कैलकुलेशन इयर्स में करी थी, तो हो जाएगा 1124। तो 1124 यानी कि ये वाली डेट, दिस डेट इज योर एवरेज ड्यू डेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस डेट का कि सर ये एक ऐसी डेट है जिस डेट पे अगर पूरा का पूरा लोन का इंटरेस्ट पूरा का पूरा लोन पे हो जाए तो किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बताओ जी, अगर आप 1 लाख के 1 लाख, अगर आप 1 लाख के 1 लाख कब पे कर दो जी? 1 लाख पूरे आप पे कर दो 1124 को, तो कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा सर? 1120 को लोन लिया था तो, और आप पेमेंट कब करोगे? 1124 पे, तो यानी कि 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख पे आपको पे करना पड़ेगा कितने का इंटरेस्ट था? 12% का इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। तो जरा कैलकुलेट करके देख लो, ये इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आएगा सर? 48,000 ही निकल कर आएगा। आया जी कॉन्सेप्ट समझ में? बताओ जी, बोलो ये कैलकुलेशन समझ में? इस तरीके से हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ पॉइंट्स अभी भी क्लियर नहीं है, तो एक काम करता हूं, अब मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। देखो देखो, यही अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या किया? मैंने बोला कि सर 1 लाख पर 12% का ब्याज कितने नंबर ऑफ डेज का निकालूं? 1 लाख पर 12% का ब्याज कितने नंबर ऑफ का डेज का निकालूं कि वो ब्याज, वो इंटरेस्ट मेरा कितना निकल के आ जाए? 48,000 निकल के आ जाए। अब मैं काम करता हूं, 48,000 को ना ब्रेक करता हूं। 48,000 की कैलकुलेशन मुझे बताओ सबसे पहले वाले तरीके से जो हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे थे, तो हमने कैसे निकाली थी? हमने निकाली थी सर 1 लाख का 12% 2 साल का प्लस 80,000 का 12% कितने साल का हो गया था आपका? ये था आपका 1 साल का। फिर 60,000 का 12% 1 साल का प्लस 40,000 का 12% 1 साल का प्लस 20,000 का 12% 1 साल का। ठीक है जी, अब मुझे बताओ 1 लाख इंटू एक्स
1 लाख आपका क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, एक्स क्या है, एक्स आपकी ड्यूरेशन है, ये एक्स क्या है, ड्यूरेशन, कि सर कितने साल का ब्याज पे करूं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इस 12% से ये सारे 12% को काट दूं, सर कट सकता है, बिल्कुल सर, कॉमन लेकर, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, कॉमन लेकर आप ये 12% काट सकते हो, तो आपकी क्या निकल के आएगी, आपका निकल के आएगा 1 लाख इंटू 2 प्लस 80,000 इंटू 1 प्लस 60,000 इंटू 1 प्लस 40,000 इंटू 1 प्लस 20,000 इंटू 1। अगर आप इन सबको टोटल करोगे, इन सबको टोटल करोगे तो ये आपका जो टोटल निकल के आएगा दैट इज योर 2 लैक्स, ये आपका टोटल क्या निकल के आएगा, 2 लैक्स निकल के आएगा। और अगर आपको याद हो तो 2 लैक क्या था हमारा, 2 लैक हमारा प्रोडक्ट का टोटल था, तो मैं कह सकता हूं कि ये सारा का सारा टोटल है, ये सारा का सारा जो आपका निकल के आती है, दिस इज योर ऑल टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट को अगर आप फ्रैक्शन में ले लो तो वो टाइम पीरियड जो कि आपका क्या आया था, वो टाइम पीरियड वो आपका निकल के आई थी इतने साल का ब्याज, यानी कि अगर आप ओरिजिनल डेट में 2 साल और जोड़ दो, अगर आप ओरिजिनल डेट में 2 साल और जोड़ दो तो यानी कि 4 साल का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 48,000। तो ये एक और छोटा सा तरीका है समझने का, तो ज्यादा इसके कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए आप इसको फॉर्मूले से समझ लो तो वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका यही है, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। अब बात आती है सर आपने फॉर्मूले में यहां पर माइनस साइन भी लिखवाया था, एक तो ये पॉइंट आपको समझाना है और समझ जाना है कि सर किसी भी डेट को अगर बेस डेट मान के चलूं तो काम हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। देखो किसी भी डेट को, चाहे आप वो डेट आपकी इन इस सीरीज में आपको गिवन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डेट को आप बेस डेट लेकर काम कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज तो याद किया। अब बात आती है सर हमने 1122 क्यों ली, हमने जो ये 1122 है हमने इसी को बेस डेट क्यों लिया, देखो इसको बेस डेट लेने से क्या हुआ, एक तो ये अर्लीस्ट डेट है, एक तो ये अर्लीस्ट डेट है और क्वेश्चन में डेट गिवन है, इससे क्या हुआ हमारी एक कैलकुलेशन तो, हमारी एक कैलकुलेशन तो क्या होगी सर, जीरो हो गई, क्योंकि अगर क्वेश्चन में से सबसे पहली डेट उठा लोगे तो एक कैलकुलेशन तो आपकी जीरो होनी ही होनी है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये माइनस इसलिए लिया, माइनस इसलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल देता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में बोलता कि 1126 से करो, 1126 से कैलकुलेशन करो, तो सर 1126 से होता क्या, आपकी ये सारी चीजें नेगेटिव आनी शुरू हो जाती, तो ये कैलकुलेशन भी आपकी कुछ ना कुछ तरीके से नेगेटिव होती और ये चीज भी आपकी नेगेटिव हो जाती, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले में आपको नेगेटिव यूज करना पड़ जाता, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बेस डेट तो वो ले लो, अगर आपको क्वेश्चन में बेस डेट गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन में दी हुई डेट में से अर्लीस्ट डेट को पिक कर लो एज बेस डेट और आप अपना काम कर सकते हो, क्लियर है जी, बताओ समझ में आती है कैलकुलेशन कंसेप्ट, ठीक है जी। चलो अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखो हाँ जी लिखो एक और एग्जांपल, लिखो फॉलोइंग बिल्स आर ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, फॉलोइंग बिल्स आर ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, ड्यू डेट गिवन आपको, ड्यू डेट और आपको अमाउंट गिवन है, ड्यू डेट गिवन आपको और आपको अमाउंट गिवन है, ड्यू डेट क्या है आपकी 1/5/2019, 1/8/2019 एंड 1/9/2019, ये आपको डेट्स दे रखे हैं और अमाउंट आपको दे रखा है 600, 700 and 450। फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट and rate of interest is, rate of interest ले लो आप इसमें 12%, 12% पर एनम ले लो,
हाँ जी करो जी सॉल्व। ड्यू डेट क्या क्या गिवन आपको, 1/5/2019, 1/8/2019 एंड 1/9/2019, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अमाउंट, प्रोडक्ट। अमाउंट लिख देता हूं सीधा सीधा पहले, 600, 700, 450, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट बताओ जी, बेस डेट क्या लू। हाँ जी बेस डेट क्या लू सर, बेस डेट कैन बी एनी डेट, कोई भी डेट ले लो, लेकिन प्रेफर क्या करेंगे हम, 1/5/2009, मतलब क्वेश्चन में दी हुई डेट का अर्लीस्ट डेट, ये वाली डेट ले लेंगे। एक काम करता हूं इस क्वेश्चन में, मैं देखो आगे से जितने भी क्वेश्चन करूंगा उसमें सब मैं अर्लीस्ट डेट ही लूंगा क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, लेकिन मैं इसमें एक काम करता हूं आपको 1/8/2019 लेता हूं, एक अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। बताओ जी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट कि सर 1/8/19 हमारी बेस डेट है, यहां से लेकर 1/5/2019 तक कितने दिन बनते हैं, 1/8/19 से 1/5/2019, तो कहने का मतलब हमें डेज कब से कब तक निकालने हैं सर, 1/8 यानी कि 1/5/19 से 1/8/19 उल्टा चलना है, रिवर्स चलना है, ठीक है। रिवर्स चलना है तो डेज हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो याद हो तो मैंने क्या बताया था, कौन सी डेट को इंक्लूड करोगे सर, ड्यू डेट को इंक्लूड करोगे। ड्यू डेट क्या है सर, 1/5/2019, और 1/8 को इंक्लूड नहीं करोगे कि ये हमारी बेस डेट है, ठीक है जी। तो 1/5/19 से, तो मई के कितने दिन बनते हैं जी बताइए जी, मई के, मई तो पूरा इंक्लूड हो गया, 1 से लेकर 31 तक, तो पूरे 31 दिन तो मई के आ गए। उसके बाद जून, जून के कितने दिन आ गए, 30 दिन आ गए। जुलाई के कितने दिन आ गए, 31 डेज आ गए। क्या मैं अगस्त का पहला दिन इंक्लूड करूंगा, आंसर इज अगस्त का पहला दिन इंक्लूड नहीं करोगे। डेज कैलकुलेशन समझ में आई सर, ये मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी है। वैसे हम क्या करते हैं सर, बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक जाते हैं, लेकिन अब मैं ड्यू डेट से बेस डेट पे आ रहा हूं, या उल्टा चल रहा हूं, बेस डेट से ड्यू डेट तक, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी ये बनती है, डेज की कैलकुलेशन ये होगी आपकी 92 डेज, ठीक है जी। 1/8/19 से 1/8/19, ये तो आपका जीरो हो गया। अब 1/8/19 से 1/9/19, ये ध्यान से समझिए सीधी सीधी कैलकुलेशन, क्योंकि अब आपको सीधी सीधी ही करनी है ज्यादातर क्वेश्चन में। तो 1/8/19 से 1/9/19 पर मुझे जाना है। देखो अगस्त के कितने दिन, अगस्त के 31 डेज होते हैं, 31 में से क्या मैं 1 को इंक्लूड करूंगा, अगस्त के 31 डेज में से 1 को इंक्लूड करूंगा, आंसर इज नो, क्योंकि वो बेस डेट है। तो अगस्त के कितने दिन बनेंगे सर, 30 दिन ही होंगे, ये आपका अगस्त हो गया। प्लस क्या सितंबर के एक पहले दिन को इंक्लूड करूंगा, आंसर इज सितंबर के पहले दिन को इंक्लूड आप करोगे क्योंकि वो आपकी ड्यू डेट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए यहां पर, 31। अब मल्टीप्लाई कर दो, 92 × 600, ये आपका आता है 92 × 600। एक बार करो इसकी कैलकुलेशन, ये आ गया 55,200, 55,200, ये जीरो हो गया आपका, और ये हो गया 450 × 31, 450 × 31, 13950। टोटल कर लो जी, प्रोडक्ट को भी और अमाउंट को भी, प्लस 55,200, 69150, प्लस 700, प्लस 450, ये हो गया 1750। क्लियर है जी। मुझे बताओ ये डेज आपके क्या थे, ये आपके नेगेटिव थे, तो ये आपका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन होगी है बच्चे यहां पर गलत, तो ये आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा समझ में आया नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मैं उल्टा चलाऊं, मैं रिवर्स चलाऊं, मैं 1/5/19 से 1/8/19 पे नहीं गया, मैं 1/8/19 से 1/5/19 पे गया हूं, तो नेगेटिव के 92 डेज है। तो नेगेटिव के अगर 92 डेज हो गए तो आपका प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, कितना हो गया ये, 55,200 माइनस 1350,
41250 माइनस 41250। अब देखो कैलकुलेशन आपकी किस तरीके से होगी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट आपकी क्या थी 1819 माइनस हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 41250 डिवाइडेड बाय 1750, ये डेज आएंगे आपके डिवाइडेड बाय 1750, 1819 माइनस, अब 23.57 आ रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 24 डेज कर देना, जैसे ही आपका पॉइंट्स में आ जाए तो आप इसको अपर साइड पे ले जाकर राउंड ऑफ कर देना, तो 1819 में से आपको 24 डेज पीछे चलना है, 1819 से आपको 24 डेज पीछे चलना है, तो आपकी जो ड्यू डेट बन के आएगी देखना जरा क्या आगी, 1819 से 24 डेज पीछे, बताइए जी 24 डेज पीछे, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? हाँ जी बोलो सर, 1819 से 1819 तो इंक्लूड करोगे नहीं, उससे पीछे 24 डेज चले जाओ, तो ये आपकी निकल के आएगी मेरे ख्याल से 6th of July, 6th या 7th होगी, एक बार चेक करो, 6th होगी या 7th होगी, तो आपकी बनेगी 7th of July 2019, ये आपकी होगी एवरेज ड्यू डेट। अब मुझे यहां पर इंटरेस्ट भी निकालना था, तो इंटरेस्ट निकालो जरा कितना होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आपका टोटल अमाउंट पेबल था, अमाउंट पेबल इज 1750, तो 1750 इंटू 12% और साथ साथ 19, आप कब पे कर रहे हो जी अमाउंट, अच्छा ये अमाउंट तो इसमें दे नहीं रखा, तो मैं मान के चलता हूं आप 1519 से निकाल लो, हाँ जी 1519 से निकाल लेते हैं, तो 1519 से 7-7-19 कितने दिन हो गए, 1519 से 7-7-19 बताओ जी, 1519 से 7-7-19 के कितने दिन हो गए, मई के आपके 31-1 30 डेज, मई के, जून के 30 दिन और जुलाई के आपके 7 दिन, तो 67 डेज, तो 67 डेज का आप इंटरेस्ट इस पे निकाल लो, तो आपका निकलेगा 1750 का 12% इंटू 67 बाय 365, तो आपका निकल के आता है 39 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी बोलो जी, ये कैलकुलेशन आती है समझ में? हाँ जी चलो, तो ये हमारा एक कंसेप्ट था, अब जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं ना वो नोट्स पे आ जाओ, अब आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे नोट्स के क्या है, ऊपर से पढ़ लेते हैं दोबारा, देखो एवरेज ड्यू डेट का मतलब समझ में आया, इट मींस एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट, इट इज कैलकुलेटेड सो दैट वेरियस डेट्स कैन बी क्लब्ड इनटू अ सिंगल डेट एंड ऑल द कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट इज डन एज पर न्यू डेट, ठीक है जी सर ये समझ में आता है, हाउ टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट, ये हमारा क्या था, इसका एक फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, एवरेज ड्यू इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, अब यहां से पढ़ना ध्यान से, बेस डेट कैन बी एनी डेट सिलेक्टेड, कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन प्रेफर्ड डेट क्या रहेगी, क्वेश्चन में गिवन आपको अर्लियस्ट डेट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें से आपको अर्लियस्ट डेट चूज करनी है, वो आपकी प्रेफर्ड डेट रहेगी, डे शुड बी काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द बेस डेट, जो भी आपकी बेस डेट है उसके नेक्स्ट डे से काउंट करो, और कब तक जाना है आपको अप टू द ड्यू डेट, और जब आप काउंटिंग कर रहे हो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर तो आपको फर्स्ट डे को भी इंक्लूड कर उसमें चलना पड़ेगा, ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए रहेंगे तो आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस भी इसमें ऐड करने हैं, अगर आपकी जो ड्यू डेट है वो आपकी संडे को आती है या फिर आपकी पब्लिक हॉलीडे पे आती है तो ड्यू डेट विल बी अर्लीस्ट वर्किंग डे, और अगर आपकी ड्यू डेट जो है वो आपकी सडन हॉलीडे पे आती है या फिर इमरजेंसी डे पे आती है तो ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है जी, तो आप कैलकुलेट कर लोगे इस तरीके से, आपका इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड पीरियड कैसे निकलेगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक का पीरियड निकलेगा, ठीक है जी बताओ जी, ये आपका एक कंसेप्ट था ऑफ एवरेज ड्यू डेट, अब इसके क्वेश्चंस देखने हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, आओ जी ये देखो टोटल मेरे ख्याल से 17 और 18 क्वेश्चंस आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन योर बुक,
लेट मी चेक। हाँ जी 18 क्वेश्चंस हैं आपके, ये 18 क्वेश्चंस कर लो सर, कंसेप्ट पूरा, चैप्टर पूरा आपको क्लियर है, देख के चलते हैं सर। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो देखिए जी, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो वो कहता है द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ द इंटरेस्ट टू द आइदर पार्टी। मतलब वो क्या कह रहे हैं निकालने के सर, एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए कह रहे हैं। नो लॉस टू द आइदर पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ड्यू डेट की बात होगी। देखो ये आपको दे रखी है कुछ ट्रांजेक्शन, अमाउंट आपको दे रखा है 500, 800 और 1000, और आपको ड्यू डेट दे रखी है 3 जुलाई, 2 अगस्त एंड 11 सितंबर। आगे देखो, बस एवरेज ड्यू डेट निकालो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ड्यू डेट क्या क्या गिवन है, ड्यू डेट देखो, हाँ जी 3 जुलाई, 2 अगस्त एंड 11 सितंबर। 3 जुलाई, 2 अगस्त एंड 11 सितंबर। 3 जुलाई, 2 अगस्त एंड 11 सितंबर, अमाउंट इन रुपीज। पांच सौ, 800 एंड 1000, 500, 800 एंड 1000, 500, 800, 1000। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और यह आपका निकलेगा प्रोडक्ट। बताओ जी, नंबर ऑफ बेस डेज फ्रॉम बेस डेट कैलकुलेट करो जी। बेस डेट क्या लू, 3 जुलाई, 2 अगस्त या 11 सितंबर। सर तीनों में से अर्लीस्ट डेट यानी कि 3 जुलाई को ले लेते हैं। आप बताओ 3 जुलाई से 3 जुलाई कितने नंबर ऑफ डेज, 0। 3 जुलाई से 2 अगस्त कैसे कैलकुलेट करोगे सर, 3 जुलाई को इंक्लूड नहीं करना, 4 जुलाई से कैलकुलेट करना शुरू करो। तो देखो जुलाई के कितने दिन होते हैं, हाँ जी जुलाई के आपके होते हैं 31 डेज। तो 31 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं सर, 4 माइनस कर दूं, 27 दिन आ गए, सॉरी 3 माइनस कर दूं तो क्या आ गया आपके, 28 दिन आ गए। तो पूरे जुलाई के कितने दिन इंक्लूड हो जाएंगे, 28 दिन हो जाएंगे। सर ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो मैंने क्या बोला कि थर्ड को इंक्लूड नहीं करना, तो जुलाई के 31 में से मैं 3 दिन को हटा दूं क्योंकि थर्ड इंक्लूड करना ही नहीं है, तो कितने दिन हो गए, 28। तो ये 28 क्या कह रहे हैं, ये 28 कह रहे हैं सर 4 जुलाई से 31 जुलाई तक 28 दिन बनते हैं, तो 28 दिन तो जुलाई के हो गए। और अगस्त के कितने दिन सर, अगस्त का पहला भी इंक्लूड हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, तो अगस्त के पूरे 2 दिन, तो आपके 30 दिन आ गए। ओके सर, उसके बाद सितंबर की बात हो, अब 3 जुलाई से 11 सितंबर, जुलाई के अगेन 28 दिन, अगस्त के पूरे 31 दिन और सितंबर के 11 दिन, तो ये आपके कितना आते हैं, ये आपके आता है 59। 28, 31 और 11 कितना हुआ, 28 प्लस 31 प्लस 11 ये आपका होता है 70। अब बताओ प्रोडक्ट, ये तो सर हो गया 0, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 24,000 और ये हो गया आपका 70,000 और ये अमाउंट, अमाउंट तो होता है आपका 1300, नहीं सॉरी 2300, और ये होता है आपका
94,000। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट हमने क्या ली थी 3 जुलाई, प्लस प्रोडक्ट 94,000 डिवाइडेड बाय 2300। तो ये आ गया आपका 41 डेज। तो 3 जुलाई में ऐड करो आप 41 डेज, ठीक है जी, 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करो। अब जोड़ने का तरीका सीखो सर, 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करने हैं किस तरीके से, देखो 41 डेज ऐड करने हैं 3 जुलाई में। जुलाई के कितने दिन अवेलेबल है आपके पास, जुलाई के आपके पास 28 दिन अवेलेबल है, जुलाई के 28 दिन, तो 41 माइनस 28 तो कितने बचे आपके 13, तो यानी कि 13th of August विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। 13 अगस्त आपकी क्या रहेगी सर, एवरेज ड्यू डेट रहेगी। क्लियर है जी कैलकुलेशन? हाँ जी, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू बाय ड्यू टू एक्स बाय वाई, ड्यू टू एक्स बाय वाई मतलब वाई हैव टू पे टू एक्स, वाई वांट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च, वाई पेमेंट करना चाहता है 18 मार्च को और 14th जुलाई को, इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम टेकन इन टू द कंसिडरेशन, और ये आपको अमाउंट दे रखा है अमाउंट 500, 1000, 3000, और ये आपको अलग अलग क्या दे रखे सर, ड्यू डेट्स दे रखी हैं। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड बी, ठीक है जी। अब आपको यहां पर क्या दे रखा है, एक तो आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, उसके बाद आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दे रखी है, एक आपको 18 मार्च दे रखी है और एक आपको 14 जुलाई दे रखी है, तो आप यहां पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 10 जनवरी की ड्यू डेट है, 26 जनवरी, 26 जनवरी क्या होती है सर, पब्लिक हॉलीडे, तो 26 जनवरी की जगह मैं क्या ले लूंगा, 26 जनवरी की जगह मैं क्या ले लूंगा, मैं ले लूंगा सर 25 जनवरी को ड्यू डेट। 23 मार्च चलती रहेगी और 18 अगस्त को संडे है, तो 18 अगस्त की जगह मैं क्या ले लूंगा, 17 अगस्त को ड्यू डेट ले लूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर पब्लिक हॉलीडे हो या संडे हो, तो एक दिन पहले हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट शिफ्ट हो जाएगी। तो करो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और आपका निकलेगा प्रोडक्ट। ड्यू डेट बताओ जी, ड्यू डेट क्वेश्चन में क्या थी, 10 जनवरी 25 जनवरी 10 जनवरी 25 जनवरी 23 मार्च और 17 अगस्त 23 मार्च और 17 अगस्त 23 मार्च एंड 17 अगस्त ठीक है जी। अमाउंट इज 500, 1000, 3000, 4000 500, 1000, 3000, 4000 ठीक है जी। बेस डेट क्या लू जी, बेस डेट आपके ले लू मैं अर्लीस्ट डेट, यानी कि अर्लीस्ट डेट इज योर 10th जनवरी, तो 10 जनवरी को बेस डेट लेते हैं। अब डेज कैलकुलेट करो, पहले तो जीरो हो गया, अब 10th जनवरी से 25 जनवरी तक कितने दिन बनते हैं सर, 15 दिन बनते हैं। अब 10th जनवरी से 23 मार्च तक बताओ जी, जनवरी के कितने दिन, 31 माइनस 10 21 दिन जनवरी के, फेब के कितने दिन लूं, अब यहां पर आपको लीप ईयर का चक्कर तो नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहेगा, तो आप फेब के पूरे 28 दिन ले लेते हैं, 28 दिन फेब के, देखो लीप ईयर भी देखना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं, तो 28 दिन फेब के, और मार्च के कितने दिन, 23 दिन, तो ये कितना आता है, 21 प्लस 28 प्लस 23 72 डेज, यह आता आपका 72। फिर 10 जनवरी से 17 अगस्त तक के दिन गिरो, जनवरी 21, फेब मार्च अप्रैल मई
जून, जुलाई और अगस्त के 17 दिन, कितना हो गया ये? 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 17, 219, 219। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, ये तो जीरो आ गया, ये आ गया आपका 15,072 इंटू 3,000, ये हो गया आपका 2,16,000। 219 इंटू 4,000, ये आ गया आपका 8,76,000। टोटल करो प्रोडक्ट का, ये हो गया आपका 2,16,000 प्लस 15,000, 11,07,000, 11,07,000, और ये आता है आपका 8,500। करो जी एवरेज ड्यू डेट, एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट आपकी 10 जनवरी, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, ये डेज में आ जाएगा 131 डेज। तो 10 जनवरी में ऐड करो आप 131 डेज। अब बताओ 131 डेज कैसे ऐड करोगे, मैंने बताया था अभी आपको, यहां पर दोबारा कैलकुलेशन समझो। देखो 131 में से जनवरी के कितने दिन अवेलेबल है हमारे पास, जनवरी के हमारे पास हैं 21 दिन अवेलेबल, बचे कितने, ये हमारे हो गए जनवरी के, अब बचे कितने, 131 माइनस 21, 110। फेब के कितने दिन अवेलेबल है, 28, ये ले लिया मैंने फेब के, तो कितने बचे, 110 माइनस 28, 82, 82। मार्च के कितने दिन अवेलेबल है, मार्च के पूरे 31, मार्च ये कितना बचा आपको, माइनस 31, ये बचा आपका 51। अप्रैल के 30 दिन, ये अप्रैल हो गया आपका, कितना बचा आपका 21, तो ये आपका 21 ऑफ मई। तो आपकी जो एवरेज ड्यू डेट निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी सर, 21 मई, 21 मई इज योर एवरेज ड्यू डेट। क्या क्वेश्चन पूरा हुआ, आंसर इज नो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने बोला था ये रब कर देता हूं मैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करनी है, इंटरेस्ट उसमें दो केस थे। पहला केस था इफ ही वांट्स टू पे ऑन 18 मार्च, अगर वो 18 मार्च को पे करता है, देखो एवरेज ड्यू डेट आ रही है आपकी 21 मई को, और वो कह रहा है मैं 18 मार्च को पे करूंगा, पहले पे करेगा बाद में, पहले पे कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट की सेविंग होगी, उसको इंटरेस्ट की सेविंग होगी, वो आप बता दो कितने दिन की सेविंग होगी। तो लिखो इफ इफ वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन 18 मार्च, देन ही विल सेव, ही विल सेव, वो बचा लेगा, कितने रुपए बचा लेगा बताओ जी, अमाउंट कितना था, 8,500। इंटरेस्ट रेट क्या था, मतलब एक तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा ना उसे, 8%, 8,500 का 8%, कितने दिन का बचा लेगा सर, 21 मई तक देना है और वो 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है, तो यानी कि जितना टाइम पीरियड होगा 18 मार्च से 21 मई तक का, वो बता दो कितना होता है, 18 मार्च से 21 मई तक का टाइम पीरियड, देखो मार्च 31 माइनस 18, मार्च के 13 दिन, मार्च अप्रैल और 21, 64 डेज का वो इंटरेस्ट बचा लेगा, डिस्काउंट बचा लेगा, 64 बाय 365, तो ये आता है 8,500 का 8% इंटू 64 बाय 365, 119 रुपये, लगभग 119 रुपये वो बचा लेगा। तो उसका अमाउंट पेबल कितना रहेगा, देन अमाउंट पेबल विल बी कितना रहेगा, विल बी रुपीज, बताओ 8,500, 119 रुपये बचा लेगा वो, तो 119 रुपये माइनस कर दो, 8,500 माइनस 119, 8,381 रुपीज, 8,381, ठीक है जी, इतने रुपीज उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 18 मार्च को पे करता है।
सेकेंड, इफ वाई वॉन्ट्स टू पे ऑन, अगला क्या था, कौन सी डेट पे पेमेंट कर रहा है वो, 14th जुलाई। बताओ जी, अगर वो 14th जुलाई को पेमेंट करता है देन ही विल बी चार्ज्ड, उसके ऊपर ब्याज लगेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ जी, 8500 का 8%। देखो 21 मई तक पे कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 मई के बाद पे करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा। तो 21 मई से लेकर 14th जुलाई तक का, तो मई के कितने दिन हो गए, 31 माइनस 21, 10 दिन मई के, जून के 3। आओ जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। हाँ जी, कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको डेट ऑफ बिल दे रखा है और ये आपको टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब दीज आर योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जहां बात आ जाएगी तो आप क्या करोगे, यू हैव टू ऐड 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के आपको उसमें ऐड करके चलने पड़ेंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ बिल दे रखी है आपको 10th अगस्त 15, और 3 मंथ का टर्म पीरियड दे रखा है, तो मुझे बताओ क्या डेट बनेगी। अच्छा बताओ 10 अगस्त 15, 3 महीने ऐड करने हैं, तो किस तरीके से ऐड करोगे सर 3 महीने। देखो मंथ्स में मंथ्स ऐड करो और डेज में डेज ऐड करो, तो क्या डेट बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 13 नवंबर, दिस योर 13th नवंबर 15, मंथ्स में मंथ्स डेज में डेज। अब 23 अक्टूबर पे 60 डेज पे जाना है, अब ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 23 अक्टूबर से आपको 60 डेज ऐड करने हैं, तो मुझे बताओ अक्टूबर के कितने दिन, 60 अक्टूबर के कितने दिन अवेलेबल है, 31 माइनस 23, 8 दिन अक्टूबर, तो 60 में से 8 गए 52, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर माइनस नवंबर, यानी कि बचा आपके 22 दिसंबर, तो आप में 3 दिन ऐड करें तो आपकी आ जाएगी 25 दिसंबर 15। ठीक है, अब 25 दिसंबर को पब्लिक हॉलीडे मत लेना, ठीक है जी, पब्लिक हॉलीडे क्या रहेंगे आपके, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 ही आपके पब्लिक हॉलीडे रहेंगे, 25 दिसंबर, दशहरा, दिवाली, होली, ये कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा। ठीक है जी, 4 दिसंबर 15 में, 4 दिसंबर में आपको ऐड करना है सर 2 महीने और 3 दिन, तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, तो ये तो फेब आ गया, तो ये आ गई आपकी 7 फेब, दिस इज योर 7th फेब 16। अब 16 है तो आप इसमें वैसे दे रखा है अज्यूम फेब्रुअरी टू बी 28 डेज, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन साइलेंट होता है 28 फेब के बारे में, तो 16 है, लीप ईयर है, तो आप फेब को 29 डेज भी लेकर कर सकते हो। 14 जुलाई में आपको अगेन 60 डेज ऐड करने हैं, तो जुलाई के कितने दिन अवेलेबल है, सॉरी जनवरी, 31 माइनस 14 17, तो 60 माइनस 17 43, उसके बाद फेब के 28, तो आपकी 15 और 3 डेज ग्रेस के, तो ये आपकी आ जाएगी 18 मार्च 16। अब ये कैलकुलेशन देखो अब आप समझ पा रहे होंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। अब 8 मार्च में 2 महीने, 8 मार्च में 2 महीने ऐड करने हैं और 3 डेज ग्रेस के, तो ये आ जाएगा आपका 11 3 और 2 5 11 में, तो ये आ जाएगा आपका 11 मई 16। बताओ जी, ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन में वैसे कुछ रहा नहीं है, फिर भी बताओ मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्या कहते हो, एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ये वाला, उसके बाद मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, फिर मैं कोई अच्छा सा अगर क्वेश्चन होगा तो वो पिक कर लूंगा। तो आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ड्यू डेट, अब ड्यू डेट आपने हमने निकाली है, बताओ जी 13th नवंबर, पच्चीस दिसंबर 7 फरवरी,
25 दिसंबर, 7 फरवरी, उसके बाद 18 मार्च और 11 मई। अठारह मार्च और 11 मई, 16। अमाउंट बताओ जी, अमाउंट क्या है जी? 6 5 4 2 3, 6 5 4 2 3, 6 5 4 2 3 है, 3 2 है, 2 3, 2000 और 3000। ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट बताओ जी। बेस डेट क्या लू? बेस डेट, अर्लीस्ट डेट गिवन इन द क्वेश्चन, अर्लीस्ट डेट इज 13th नवंबर, तो 13 नवंबर से काम करते हैं। तो 13 नवंबर से 13, ये तो 0 डे हो गए। 13 नवंबर से 25 दिसंबर तक कितने दिन बनते हैं बताओ जी? नवंबर के, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, अब मैं लिख नहीं रहा यहां पर। नवंबर के आपके पास थे 30 दिन, 30 माइनस 13 तो 17 दिन तो नवंबर के, और दिसंबर के 25 तो ये आपका आता है 42। 13 नवंबर से 7 फेब, नवंबर के 17 दिन नवंबर, 31 डेज दिसंबर, 31 डेज जनवरी और 7 डेज फेब्रुवरी, ये आ गया आपका 86। 13 नवंबर से 18 मार्च, 17 दिन नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 18 दिन मार्च के, तो आ गया 125। और 13 नवंबर से 11 मई, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 179। ठीक है जी। प्रोडक्ट निकालो, 0, 5000 × 42, यह आ गया आपका 2,10,000, 4000 × 86, यह आ गया आपका 3,44,000, 2000 × 125, 250, क्या 3000 × 179, यह आ गया आपका 537, 537। टोटल करो इसे, आपका आता है 1341, 13,41,000। अमाउंट का टोटल 5, 11, 15, 16, 17, 17, 23, 20, 20,000। बताओ जी एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, जो कि हमारी 13 नवंबर 15 प्लस 13,41,000 डिवाइडेड बाय 20,000 नंबर ऑफ डेज। ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 20,000, 68। 13, 68 डेज ऐड करो बताओ जी। 68 में से 17 दिन तो गए नवंबर के, बचे 51। 31 दिन गए दिसंबर के, बचे 20, तो 20th जनवरी विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। 20th जनवरी 16 विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। बताओ बच्चे, आ रहे समझ में? हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4th। पढ़ो। अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स नाउ डिजायर टू हैव दीज बिल कैंसल्ड एंड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर होल अमाउंट पेबल ऑन द एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी। एवरेज ड्यू डेट निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में भी, बताओ कैसे निकलेगी? ये आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं, डेट ऑफ बिल दे रखी है, यूजर्स ऑफ बिल दे रखे हैं, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रखे हैं, तो आप यहां से ड्यू डेट निकाल सकते हो। बताओ जी, ड्यू डेट निकाल सकते हो? आंसर इज यस।
क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? बताओ जी, क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या नॉर्मल बिल्स हैं? सर दीज आर नॉर्मल बिल्स। दीज आर नॉर्मल बिल्स। आप नोट करके लिख देना, कुछ भी करना है। अगर आपको नॉर्मल बिल्स मानने हैं तो नॉर्मल बिल मान लो, अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानना है तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हो। आप लिख देना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर गिवन। एज्यूम कराए हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देना, और उसके बाद आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ए ओज बी 890 ऑन 1 जनवरी 2015। वो कह रहा है ए को पे करना है टू बी ₹890 1 जनवरी 2015 को, यानी कि ओपनिंग डेट पर ही उसे 890 पे करना है। यानी कि कैलकुलेशन अब हमारी ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट होगी। तो मैंने बताया था अगर ईयर का फर्स्ट डे आ जाता है तो आप क्या करोगे, पहले दिन को भी इंक्लूड करके चलोगे। बताओ जी, पहले दिन को भी इंक्लूड करके चलोगे। फ्रॉम जनवरी टू मार्च फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। 16 जनवरी को ए बायस द गुड्स, 2 फेब को ए रिसीव द कैश लोन, अगेन ए बाय द गुड्स। ये 3 ट्रांजेक्शन उसने और करी इन इन डेट्स पर। ए पेज द होल अमाउंट ऑन 31 मार्च 2015 टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। ठीक है जी, तो ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, इसको मैं आपके साथ करवा देता हूं। जब आपको दे रखा हो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ड्यू डेट। देखो जी, पैसे तो उसे पहले से ही देने थे, 1 जनवरी से ही देने, तो 1 जनवरी भी हमारी इंक्लूड होगी, 1 जनवरी 15। उसके बाद हमारी क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, 16 जनवरी, 2 फेब और 6 मार्च। 16 जनवरी, 2 फेब और 6 मार्च। अमाउंट अमाउंट कितना कितना है? पहला उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 890, 890 तो ये हुआ। उसके बाद 910, 750, 810, 910, 750, 810, 910, 750, 810। नंबर ऑफ डेज, बेस डेट क्या मानो जी, अर्लीस्ट डेट दैट इज 1 जनवरी को बेस डेट मान लेते हैं, 1 जनवरी को बेस डेट मान लेते हैं। अब बताओ मुझे क्या करना है। सर 1 जनवरी से 1 जनवरी के डेज तो इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये तो हो गया हमारा 0, ठीक है जी। अब ध्यान रखना, अब हमें 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के डेज कैलकुलेट करने हैं। 1 जनवरी से 16 जनवरी तक के डेज कैलकुलेट करने हैं। क्या 1 जनवरी को इंक्लूड करोगे? आंसर इज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। ऊपर नोट्स में जाकर चेक करना, मैंने लिखवाया था आपको कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो पहले दिन को भी उसमें इंक्लूड करके चलना है। तो वैसे अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करते 1 से 16 तक तो हमारे 15 दिन निकल के आते, क्योंकि 16 माइनस 1 15, लेकिन अब यहां पर पहले दिन को इंक्लूड करेंगे तो 16 भी इसमें आ जाएगा। अब आ जाओ 1 जनवरी से 2 फेब तक। जनवरी के नॉर्मली कितने दिन बनते? वन, एक लास्ट में ऐड कर देना। जनवरी के नॉर्मली बनते हमारे 30 दिन और फेब के 2, 32 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 33। 1 जनवरी से 6 मार्च, पहले नॉर्मली कर लो, लास्ट में 1 जोड़ दो। 1 जनवरी से 6 मार्च, तो जनवरी के बनते आपके 30, जैन के बाद फेब के 28 और मार्च के 6 प्लस 1, 65 हो जाएगा आपका ये।
65 प्रोडक्ट, 0, 910 इंटू 16, 14560, 24750, 52650, 91960, 91960, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 890 प्लस 910 प्लस 750 प्लस 810, 3360, 3360। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, दैट इज 1115 प्लस 91960 डिवाइडेड बाय 3360। ये आ गया 28 days। तो 1115 में आप अगर 28 दिन जोड़ोगे तो ये आपकी आ जाएगी डेट कितनी, 29th January 15, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं होता। उसने क्या बोला था, अगर वो सारा का सारा अमाउंट 31 मार्च को पे कर देता है तो इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट निकालो कैसे, 3360 वो पे कर रहा है कब, 31 मार्च को। तो 29 जनवरी से 31 मार्च तक कितने दिन बनते हैं, जनवरी 31 माइनस 29, जनवरी के 2 दिन, फेब के 28 और 31, 61 days, 61 days बनते हैं। और इंटरेस्ट रेट क्या है, 5%। तो 5% फॉर 61 days, 61 बाय 365। तो इंटरेस्ट निकालो जरा कितना आता है, 3360 का 5% इंटू 61 बाय 365, ये आता है 28 रुपये, 28.07। तो अमाउंट पेबल इज 3360 प्लस 28.07, दैट इज रुपीज 3388.07, 3388.07, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हो, 3389 तक भी लेके जा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है जी। आ जाओ जाओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। राधेश्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम, द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट इन कैश इज बींग एज फॉलो, 15 मार्च ₹400, ड्यू ऑन 18 अप्रैल, ये ड्यू डेट दे रखे हैं, 300 ड्यू ऑन 24 मई, 200 ड्यू ऑन 13 जून एंड 250 ड्यू ऑन 18 जुलाई। हरिराम एग्री टू ड्रॉ अ बिल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट, एसरटेन द अमाउंट। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। अभी क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को छोड़ो, इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट्थ पे भी, अभी छोड़ दो, नाइन्थ भी छोड़ दो, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ अभी छोड़ो, टेंथ पे आओ। अगर आपको याद हो तो ये जो टेंथ क्वेश्चन है, ये जो टेंथ क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी जो सबसे पहला एग्जाम्पल कराया था वो ऐसा ही था। देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 जनवरी 2011 इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2012, फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। ये आपको ड्यू डेट दे रखी है और ये आपकी रीपेमेंट की डेट दे रखी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं, देखते हैं, ए और बी आपके दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने इस तरीके से ड्रॉइंग्स करी है, ए की ड्रॉइंग्स है और ये बी की ड्रॉइंग्स है, ठीक है।
इंटरेस्ट इज चार्ज एट 6% पर एनम ऑन ऑल द ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम तो जो हम नॉर्मली, जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कैसे ड्रॉइंग निकालेंगे उस तरीके से निकलेगा, और फिर एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। अगर मैं ऑर्डिनरी सिस्टम की बात करूं तो कैसे निकालोगे आप भैया, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन बनते हैं, तो 500 पे उतने दिन का इंटरेस्ट, फिर ऐसे ही 800 पे यहां से यहां तक के दिन का इंटरेस्ट, फिर 1000 पे 1 नवंबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, 400 पे 28 फेब से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट। ये तो नॉर्मल सिस्टम है, ऑर्डिनरी हम इंटरेस्ट जो निकालते हैं उस तरीके सिस्टम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें निकालना है ऑन एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। तो कुछ नहीं है सर, इनमें से एक एवरेज ड्यू डेट निकालो और फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लो 31 मार्च तक का। बताओ जी कर सकते हो या नहीं, बोलो जी कर सकते हो या नहीं। सर आप करवा ही दो एक क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ जी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए। पहले ए का निकाल लेते हैं। बताओ जी ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट फर्स्ट जुलाई 30 सितंबर, फर्स्ट जुलाई 30 सितंबर, फर्स्ट नवंबर 28 फरवरी, फर्स्ट नवंबर एंड 28 फरवरी, फर्स्ट नवंबर एंड 28 फरवरी अमाउंट पांच सौ आठ सौ हजार चार सौ नंबर ऑफ डेज। हाँ जी नंबर ऑफ डेज बताओ। बेस डेट क्या लू जी, 1 जुलाई को लेता हूं बेस डेट, ठीक है जी। तो बताओ ये तो जीरो हो गया, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ये हो गया जुलाई के 30 डेज, जुलाई अगस्त सितंबर 91 हो गया ये, दिस इज योर 91। 1 जुलाई से 1 नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 123, 28 फेब तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 242 प्रोडक्ट जीरो, 800 × 91 ये हो गया आपका 72,800, देन 1,000 × 123 ये हो गया आपका 1,23,000, देन 400 × 242 96,800, 292,600 और इसको टोटल करो ये आता है आपका 2700। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 1 जुलाई प्लस
292,600 डिवाइडेड बाय 2700 डेज। एक सौ नौ, फर्स्ट जुलाई में ऐड करो आप 109 डेज। बताओ जी, 109 डेज अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनती है कंडीशन? 109 जुलाई के 30, 109 माइनस 30 जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 18, अक्टूबर आती है 18th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा 2700 पे, क्या रेट था? 6%, 6%। 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक के दिन देखो, अक्टूबर अक्टूबर 31, 18 के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 164, 164 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना निकलेगा? 2700 का 6% इंटू 4/3, 73 रुपीज। ये कितना आता है आपका? 73 रुपीज का इंटरेस्ट आता है। ये किसका हो गया? ये था हमारा ए का। बी का निकालो कैलकुलेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ बी, बी का निकाल लो जरा। बी का ड्यू डेट, हाँ जी ड्यू डेट 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च। 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च। अमाउंट, अमाउंट बताओ कितना है? हजार पांच सौ चार सौ नौ सौ, हजार पांच सौ चार सौ नौ सौ, हजार पांच सौ चार सौ नौ सौ। देन नंबर ऑफ डेज, बेस डेट क्या लोगे जी? बेस डेट 12 जून होगी, ये जीरो हो गया आपका। 12 जून से 11 अगस्त, 12 जून से 11 अगस्त, जून 30 मई, जून के 18, जुलाई के 31 और अगस्त के 11, 60 हो गया ये। 12 जून से 9 फेब, 12 जून 30 मई, जून, जुलाई के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब के 9, 242 ये हो गया आपका। 242, 7 मार्च तक, 12 जून से 7 मार्च तक, जून, जुलाई, तेरा कैलकुलेशन चेक करना है दोबारा। 12 जून से 9 फेब तक के, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो सही है, ठीक है। 12 जून से 7 मार्च तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 268, 268। देखो कैलकुलेटर पे थोड़ा सा हास्ट, आप लोगों का फास्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट जीरो, देखो हमने जहां भी अभी तक हमने सब क्वेश्चन में क्या लिया है? अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लिया है, तो उससे हमें कभी भी नेगेटिव डेज को फेस नहीं करना पड़ेगा। देखो नेगेटिव आ जाएगी तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जीरो हो जाता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 500 इंटू 60 30,000 हो गया, 400 इंटू 242, 96,800, 900 इंटू 268, 241, 200, 241, 200, ये हो गया आपका 368। और ये कितना होता है आपका? ये होता है 1500, 1900,
2800। इंटरेस्ट पहले एवरेज ड्यू डेट निकालो। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट इज योर 12 जून प्लस 368 डिवाइडेड बाय 2800, नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे इससे, डिवाइडेड बाय 2800 ये आता है 132। 12 जून में ऐड करो 132 डेज, बताओ जी 132 में से 18 तो जून के चले गए, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, 22 अक्टूबर आती है जी। क्या आती है आपकी? 22 अक्टूबर। अब इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट विल बी 2800 का 6%, 22 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 22 अक्टूबर से 31 माइनस 22 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 160 डेज का, 160 बाय 365, तो ये कितना आता है? दिस इज योर 2160, ये भी आपका 74 के आसपास आता है। ठीक है जी, क्लियर? तो ये आपका एक तरीका, ये भी है आपका करने का क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12th, ये आपका बिल्कुल सेम है इंटरेस्ट इन ड्राइंग वाला, तो ये आप लोगों का होमवर्क, उसके बाद आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 13th पढ़ो, एग्जाम में आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, होमवर्क पहले ही लिख रहा हूं मैं इस पे। अनपरचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इन कैश इज 10th अगस्त। देखो एवरेज ड्यू डेट आपको देख रही है निकाल के, टोटल अमाउंट ड्यू इज 67,500, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट। ठीक है जी, वो कह रहा है कितना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर इन इन डेट पे करोगे तो। मुझे बताओ, अगर एवरेज ड्यू डेट पे ही पे कर दोगे क्या कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आंसर इज इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 10 अगस्त से 25 अगस्त, यानी कि अगर आप 15 दिन डिले करोगे तो 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 67,500 का 12% 15 दिन का लग जाएगा। और अगर आप 10 अगस्त यानी कि 30 जुलाई को पे कर रहे हो, टाइम से पहले पे करोगे तो आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14th भी आप लोग होमवर्क कर लेना, ये अलग अलग आपको बिल्स दे रखे, उसके टेन्योर दे रखे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15th मैं भी आपको कराऊंगा, ये हमें करना है अभी। सिक्सटींथ आ जाओ, सिक्सटींथ आपका होमवर्क है। ये आपको ट्रांजेक्शन डेट दे रही है, हमारे किसी काम की नहीं है, ड्यू डेट हमारे काम की होती है, इससे आप क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 17th, 17th आपका है अमाउंट ड्यू, फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 10th जुलाई, 10 जुलाई को पे करना चाहता है, इंटरेस्ट रेट इज 9%, ये अलग अलग ड्यू डेट्स दे रखी हैं। यू आर डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 10th जुलाई, एज्यूमिंग 10th जनवरी एज बेस डेट। ठीक है जी, 10 जनवरी को बेस डेट, वैसे भी हम 10th जनवरी मानेंगे क्योंकि हम अर्लीस्ट डेट को लेकर चलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, वो कह रहा है किरण हैड एक्सेप्टेड बिल्स पेबल टू हिना फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है जी, ये अलग अलग डेट ऑफ बिल है, ये इसका यूजर्स दे रखा है, ये इसका आपको हमें अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में। आगे वो क्या कहता है, ऑन 1st जुलाई इट वॉज एग्रीड दैट दीज बिल शुड बी विड्रॉन एंड दैट द किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डेट टू बिल्स, वन फॉर ₹10,000 ड्यू इन 4 मंथ्स एंड अनदर फॉर द बैलेंस विद द इंटरेस्ट ड्यू इन 6 मंथ्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है जी, मजेदार क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये सब आपको बिल अमाउंट दे रखा है, ये सब आपको बिल का अमाउंट दे रखा है, तो पहले यहां से आपको क्या पता लगेगा, एक आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। वो कह रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालने के बाद 1st जुलाई को ये सारे बिल कैंसिल हो गए और इन सबका अमाउंट इकट्ठा होकर एक बिल बन गया। पहला बिल
इकट्ठा होकर हमने दो बिल में उसको तोड़ दिया। पहला बिल तो 10,000 रुपए का 4 महीने में ड्यू हो जाएगा, और दूसरा बिल क्या रहेगा, दूसरा बिल आपका बैलेंस का रहेगा विद इंटरेस्ट। तो पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले हम एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट निकालते हैं, अभी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट निकालते हैं। या मैं आपको ब्रीफ दे दूं क्वेश्चन की, चलो मैं ब्रीफ दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा अगर किसी की बुक में ये वाला क्वेश्चन प्रिंटेड ना हो, किसी को अगर बाय चांस किसी की बुक में ये वाला क्वेश्चन प्रिंटेड ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये मई 20 का क्वेश्चन है, ये मई 20 आरटीबी का क्वेश्चन है। तो आप इसका प्रिंट आउट आरटीबी का है मेरे हिसाब से, तो इसका आप प्रिंट अपना स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को जरूर करना। आपको देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुछ बिल्स है हमारे पास, कुछ बिल्स है हमारे पास, इन सब बिल्स की अलग अलग क्या है हमारे पास ड्यू डेट्स है, इन ड्यू डेट से आप क्या निकालोगे एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट क्या बताएगी, भैया इस दिन पर सारे बिल की, इस दिन पर सारे बिल की क्या कर दो पेमेंट कर दो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो कहता है कि हम 1 जुलाई को क्या करते हैं इन सब बिल को, 1 जुलाई को इन सब बिल को क्या कर रहे हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, और कैंसिल करने के बाद हम नए अमाउंट का, न्यू अमाउंट का बिल रखेंगे। न्यू अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट कैसे निकलेगा, न्यू अमाउंट निकलेगा बिल्स का अमाउंट प्लस एवरेज ड्यू डेट से 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट अमाउंट, बिल्स का अमाउंट प्लस 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट अमाउंट। वो कह रहा है इस टोटल अमाउंट का हमें क्या चाहिए, एक बिल चाहिए। वो कह रहा है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 10,000 रुपए का 4 महीने का बिल हो गया, और बैलेंस जो बैलेंस बचा उसका 6 महीने का बिल हो गया। ठीक है, अब वो आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, वो कह रहा है सेकेंड बिल का अमाउंट निकालकर दिखा दो। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलो देखो, ड्यू डेट, पहले तो ड्यू डेट ही निकालनी पड़ेगी हमें, अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट, ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट बताओ जी। क्या क्या ड्यू डेट्स हैं हमारे पास, ड्यू डेट ना हम एक काम करते हैं निकाल ही लेते हैं। यहां पर 9 अप्रैल में 4 महीने जोड़ने हैं, बताओ जी 9 अप्रैल में, 9 अप्रैल में 4 महीने जोड़ो और 3 डेज ग्रेस के भी जोड़ो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी 12 अगस्त। ठीक है जी, तो ये आपकी होगी 12 अगस्त, तो पहली ड्यू डेट विल बी 12 अगस्त, ईयर भी दे रखा है 2018, 12 अगस्त 18। ठीक है जी, अगली डेट 18 अप्रैल में 3 महीने जोड़ो, 18 अप्रैल में 3 महीने जोड़ो, 3 दिन ग्रेस के भी, तो आ जाएगी 21 जुलाई। ये क्या रहेगी आपकी 21 जुलाई, 21 जुलाई 18। उसके बाद 25 में, 25 मई में 6 महीने जोड़ो और 3 दिन ग्रेस के, तो हो जाएगा 11 25। 28 नवंबर, 28 नवंबर, 28 नवंबर 18। ओके, उसके बाद
जून में, 5 जून में 3 महीने जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 8 सितंबर। अमाउंट इज 3,055, 3,006, 3,055, 3,006, 3,055, 3,000 और 6,000। नंबर ऑफ डेज, बेस डेट क्या मानू जी? बेस डेट अर्लीस्ट डेट, तो 21 जुलाई को बेस डेट ले लूं। हाँ जी, अर्लीस्ट डेट 21 जुलाई, तो 21 जुलाई को बेस डेट ले लिया, तो ये तो 0 हो गया। अब 21 जुलाई से 12 अगस्त, 21 जुलाई से 12 अगस्त, बताओ जी, 21 जुलाई से 12 अगस्त, जुलाई के 10 और 12, 22 हो गया ये आपका, 22। 21 जुलाई से 28 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 130, 130। 21 जुलाई से 8 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 49। अभी ऊपर नीचे भी डेट्स हो सकती हैं, अभी तक हम देख रहे थे सीरियल ऑर्डर में चल रही थी, सीक्वेंसली चल रही थी, अभी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट निकालो, 3,000 × 22, 66,000, 3,000 × 130, 390, 6,000 × 49, 294, 750। ये कितना आता है? ये आता है आपका 3,000 + 5,500 + 3,000 + 6,000, 17,500, 17,500। तो एवरेज ड्यू डेट विल बी बेस डेट प्लस 750 डिवाइडेड बाय 17,500 डेज। फोर्टी थ्री डेज, 21 जुलाई में 43 डेज जोड़ने हैं, तो 43 माइनस, जुलाई के कितने दिन अवेलेबल थे? 10, तो 43 माइनस 10, 33। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हो गया हमारे पास 31, सितंबर, 2 सितंबर आती है हमारे पास, 2 सितंबर विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। 2 सितंबर तो हमारी क्या आती है? एवरेज ड्यू डेट, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन, वो ये कह रहा था कि हम 1 जुलाई को सारे बिल कैंसिल कर देंगे, तो पहले तो 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकाल दो, 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकालो। 17,500 का आई थिंक 10% रेट था, तो 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकालो, 2 सितंबर से 1 जुलाई तक का। दिन बताओ, सितंबर के हो गया 28 दिन, सितंबर, ये तो इंटरेस्ट सेविंग हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, अमाउंट बच जाएगा, तो ये इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी, तो यानी कि अमाउंट उसे कम पे करना पड़ेगा। तो दिन तो निकालो, 1 जुलाई से 2 सितंबर, 1 जुलाई से 2 सितंबर, तो जुलाई हो गया, जुलाई के 30, अगस्त, सितंबर, 63, 10% × 63 बाय 365, ये हो गया 302 रुपए। 302 रुपए उसका क्या हो गया? सेव हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई कैसे निकलेगा? अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई, बताओ जी,
17,500 माइनस 300 दो, 17,500 माइनस 300 दो, कितना आता है? 17,198, 17,198, इतना अमाउंट क्या रहेगा हमारा आउटस्टैंडिंग रहेगा। इसमें एक छोटी सी इसमें करेक्शन करो, ये इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकलेगा, अभी बताता हूँ किस तरीके से। एवरेज ड्यू डेट तो ठीक है हमारी 2 सितंबर, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, हमने एक पॉइंट इसमें मिस किया, क्या मिस किया? वो कहता है ऑन 1 जुलाई बिल तो कैंसिल हो रहे हैं, इट वॉज एग्रीड दैट दीज बिल शुड बी विड्रॉन एंड दैट द किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डेट। दो बिल वो एक्सेप्ट करेगी, पहला तो 10,000 रुपए का जो कि 4 महीने बाद ड्यू होगा, और दूसरा बैलेंस अमाउंट का विद इंटरेस्ट जो कि 6 महीने बाद ड्यू होगा। यानी कि दो बिल रहेंगे, एक 4 महीने बाद और एक 6 महीने बाद। तो 4 महीने 6 महीने कहां से? 2 सितंबर से 4 महीने और 6 महीने निकलेंगे। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बिल, पहला बिल क्या है जी? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 10% 4 महीने का, 4 महीने का इंटरेस्ट लगाओ जी, 4/12, तो कितना हो गया? 10,000 का 10% × 4/12, 333 रुपये, 333। चेक करो इसे, आप पहले फर्स्ट बिल की डेट निकालो, फर्स्ट बिल की डेट, फर्स्ट बिल की डेट, डेट निकालो, डेट ऑफ फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल क्या कह रहा है? 1 जुलाई से 4 महीने, 1 जुलाई से 4 महीने, तो ये बन जाएगी आपकी कब तक? ये रहेगी आपकी 4 नवंबर, 4 नवंबर। और सेकंड बिल की डेट क्या है? सेकंड बिल रहेगा 1 जुलाई से 6 महीने, तो ये रहेगी आपकी 4 जनवरी, 4 जनवरी। अब लगाओ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट लगाओ कब से कब तक का? 2 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक का, 4 नवंबर तक का। तो निकालो जी 2 सितंबर से 4 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 63 डेज। तो 10,000 का 10% इंटू 63/365, 172.60, ठीक है जी। अब निकालो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बिल, सेकेंड बिल का इंटरेस्ट 10,000 का 10% कब से कब तक का जी? सेकेंड सितंबर तो हमारी एवरेज ड्यू डेट थी ही, से लेकर कब तक का? 4 जनवरी तक का। बताओ कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का बिल है ना, 10,000 नहीं सॉरी, ये रहेगा आपका 10,000, 17,500 में से 10,000 गए तो 7,500, तो 7,500 का निकलेगा, तो हो जाएगा 2 सितंबर, सितंबर के हो गए आपके 28, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 124 डेज। तो 7,500 × 10% × 124/365 कितना हो गया? ये का 10% × 124/365 ये हो गया 254.8, 254.8, ठीक है जी। ये आपका इंटरेस्ट है, पहले बिल का इंटरेस्ट है ये और सेकंड बिल का इंटरेस्ट है ये, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ बिल्स आर एज फॉलोज, अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालोगे? देखो फर्स्ट बिल तो क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट बिल कितने का है, फर्स्ट बिल तो 10,000 रुपए का है, और सेकंड बिल कितने का होगा? सेकंड बिल आपको निकालना है, सेकंड बिल कैसे निकलेगा सर?
सेकेंड बिल आपका निकलेगा 7500 प्लस दोनों का इंटरेस्ट 172.60 प्लस 254.80, तो ये हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 7927.40। आया जी क्वेश्चन सब ने? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये आपकी अलग अलग क्या दे रखी है, ड्यू डेट्स दे रखी है, और एक आपने क्या निकाल दी, एवरेज ड्यू डेट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉर्मल एवरेज ड्यू डेट है। उसके बाद वो कहता है फर्स्ट जुलाई को हम दो बिल बनाएंगे। हम ये सारे बिल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, हम दो बिल बनाएंगे। पहला बिल क्या रहेगा, 10,000, जो कि 4 महीने बाद ड्यू होगा, यानी कि पहले बिल की ड्यू डेट क्या रहेगी हमारी, 4 नवंबर। और दूसरा बिल क्या बनेगा, जो 6 महीने बाद ड्यू होगा, दूसरे बिल की ड्यू डेट रहेगी हमारी 4 जनवरी। तो 4 नवंबर और 4 जनवरी के हमारे बिल बनेंगे, ठीक है। अब हम एवरेज ड्यू डेट हमने क्या निकालती, 2 सितंबर, और हमारे बिल बन रहे एक 4 नवंबर को और एक 4 जनवरी को, तो यानी कि दोनों बिल पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, दोनों बिल पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ये निकाल लिया हमने इंटरेस्ट पहले बिल का, और ये निकाल लिया हमने इंटरेस्ट दूसरे बिल का। वो कहता है कि पहला बिल तो हमारा फ्लैट 10,000 रुपए का है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पहले बिल का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। कहता है कि दूसरे बिल का अमाउंट निकालो। दूसरे बिल का अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल 17,500 रुपए के बिल थे, उसमें से 10,000 का पहला बिल बन चुका, तो दूसरा 7500 हो गया, प्लस पहले बिल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे बिल का इंटरेस्ट, तो दूसरे बिल का अमाउंट आ जाएगा ये वाला। क्लियर है जी? हाँ जी, चलो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 18 था, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाए कौन कौन से थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 15, चलो पहले 15 ही कराता हूं, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज। कुछ बिल हैं 8 मार्च को 4,000 रुपए का 4 महीने का, साथ साथ ड्यू डेट निकालते चलो, 8 मार्च की 4 महीने, तो ये निकल के आ जाएगा 11 जुलाई 18, 16 मार्च की 3 महीने, तो ये जाएगा 16 और 3 19 जून 18, 7 अप्रैल फॉर 5 मंथ्स, 10 सितंबर, और 17 मई फॉर 3 मंथ्स, 5, 3, 8, 20 अगस्त, ठीक है जी। वो कहता है ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डे, फाइंड आउट दिस डेट। मतलब आपको क्या निकालना है, एक तो एवरेज ड्यू डेट निकालनी, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, महनाज वॉन्ट्स टू सेव 157 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द डेट ऑन विच ही हैज टू गिव द इफेक्ट टू पेमेंट टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ 157। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, उल्टी कैलकुलेशन करके चलनी है, कैसे। वो कहता है कि एवरेज, अभी तक हम क्या निकालते थे, एवरेज ड्यू डेट होती थी और डेट ऑफ पेमेंट होती थी, हम इंटरेस्ट निकालते थे, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है। वो कह रहा है उसे 157 रुपीज का इंटरेस्ट बचाना है, बचाना है मतलब उसको एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। वो यही पूछ रहा है कि भैया कितने दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब वो क्या डेट होगी कि वो पेमेंट कर दे कि उसका 157 रुपीज का इंटरेस्ट बच जाए। करके दिखाता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। पहले तो आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15th,
फिफ्टींथ ड्यू डेट। अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, बताओ भैया ड्यू डेट क्या है? ग्यारह जुलाई, 19 जून, 19 जून, 10 सितंबर, 20 अगस्त, 10 सितंबर, 20 अगस्त, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4,000, 5,000, 6,000, 5,000, नंबर ऑफ डेज। बेस डेट लेते हैं 11 जुलाई, ये होगी 0। 11 जुलाई से 19 जून, 11th जुलाई से 19 जून, जुलाई हो गया आपका। अर्लीस्ट डेट 11 जुलाई नहीं होगी, इसमें हमें लेनी पड़ेगी 19 जून, ठीक है? तो 0 हो गया, 19 जून से 11 जुलाई, तो जून के हो गए 11 दिन, जून जुलाई 22, 19 जून से 10 सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 83, 19 जून से 20 अगस्त, जून जुलाई अगस्त 62, 4,000 × 22, 88,000, 0 हो गया। फोर नाइन्टी एट थाउजेंड, 3, 10, 896, 20,000। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 19th जून 18 प्लस 896 डिवाइडेड बाय 20,000 डेज, 45। 19 जून में 45 डेज जोड़ो, 11 जून, जुलाई के 31, तो आएगी 3 अगस्त, 3rd अगस्त 18 इज योर एवरेज ड्यू डेट। ओके, अब वो ये कहता है कि उसको 157 रुपीज का इंटरेस्ट बचाना है। बचाना है मतलब 3 अगस्त से कितना टाइम पहले पे करे, यानी कि सेविंग्स या इंटरेस्ट लिख लेता हूं, बीस हजार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 18%, ठीक है, 20,000 पे 18%। वो कहता है कितने दिन का इंटरेस्ट लगाऊं एक्स कि वो इंटरेस्ट मेरा 157 निकल के आ जाए। तो एक्स के लिए सॉल्व करो, 18% इंटू एक्स बाय 365, तो जरा एक्स निकाल के दिखाओ, तो एक्स इज इक्वल टू, ये जरा कैलकुलेशन करके देखो एक बार, तो हो जाएगा 20,000 का 18%, 3600, तो 157 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 3600,
16 दिन, 16 डेज। तो कहते हैं 16 डेज पहले अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपका 157 रुपीज का इंटरेस्ट बच जाएगा। वो कह रहे हैं 16 दिन का इंटरेस्ट बनता है 157, लेकिन वो कह रहे हैं बचाना है वो इंटरेस्ट, बचाना है मतलब उसको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यानी कि 157 रुपीज बचाने के लिए उसे 16 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 16 दिन मतलब 3 अगस्त में से 16 डेज पीछे चले जाओ, तो अगस्त के कितने दिन थे, तो 16 माइनस 3 यानी कि 13, तो 30 जुलाई था ना, सॉरी 31 माइनस 13 ये आ जाएगा आपका 18। तो शी हैज टू पे ऑन 18 जुलाई टू सेव इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 157। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है जी, अब आपके जो बचे हैं दैट इज योर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे, 7th, 8th और 9th, 7th, 8th एंड 9th। इसमें भी कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो बाकी 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन है, एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन जब एक दूसरे को आपस में लेना देना करना होता है तो अकाउंट किस तरीके से सेटल होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, 7, 8 एंड 9। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9th करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे और 8th करेंगे, 7th आप लोगों का होमवर्क है, 7th आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 9th पर क्या कहता है। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स, डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 2 पर्सन है, मिस्टर ग्रीन और मिस्टर रेड। ठीक है, उन दोनों ने आपस में कुछ ट्रांजेक्शन करी हैं, अब वो अपने अकाउंट को सेटल करना चाहते हैं। देखो ट्रांजेक्शन हुई है अलग अलग डेट पर, ये सब अलग अलग डेट पर ट्रांजेक्शन हो रखी हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम अपने पूरे अकाउंट को जो हमारा पूरा हिसाब किताब है हम एक ही दिन पर सेटल करते हैं, सो दैट किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान ना हो, ना तो देने वालों को हो ना लेने वाले को हो। अब देखो परचेज करिए ग्रीन ने भी रेड से और रेड ने भी ग्रीन से, तो दोनों को आपस में कुछ ना कुछ लेना देना होगा। ये जो 3 ट्रांजेक्शन है ये क्या बताता है, ये बताता है परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, ग्रीन ने रेड से परचेज करी है। तो मैं इसको कह सकता हूं ये ग्रीन की पेमेंट है, ग्रीन्स पेमेंट। क्या कह रहे हैं, परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, ग्रीन ने रेड से कुछ सामान खरीदा इन सब डेट्स पर, और ये सब इनके क्या है अमाउंट दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये सब ग्रीन्स की पेमेंट है। ये क्या है, सेल बाय ग्रीन टू रेड, तो मैं कह सकता हूं ये सब रेड की पेमेंट है, ये रेड्स की पेमेंट है, या फिर आप कह सकते हो ग्रीन की रिसीट्स है कि भैया ये सब पैसा तो ग्रीन को पे करना है और ये सब पैसा ग्रीन को मिलना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जब दो ट्रांजेक्शन, जब दो पार्टीज होती है और आपस में सेटलमेंट करती हैं, आपको किसी भी एक पार्टी को पिक करके चलना है, या तो आप ग्रीन को पिक कर लो या रेड को पिक कर लो, दोनों में से किसी भी एक पार्टी को पिक करके चलो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू करो। मैं इस क्वेश्चन में ग्रीन को पिक करके चलता हूं, मैं इस क्वेश्चन में ग्रीन को पिक करके चलता हूं, तो मैं ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करूंगा। स्टार्टिंग में क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ग्रीन्स पेमेंट, मैं बात कर रहा हूं सर ग्रीन की पेमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं ग्रीन की पेमेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने किस पार्टी को पिक किया, मैंने ग्रीन को पिक किया कि भाई ग्रीन को क्या क्या पैसा देना है। अब ग्रीन को जो देना है पैसा एक तो वो आएगा, और जो ग्रीन को लेना है पैसा वो सब क्या आएगा, वो सब सर नेगेटिव तरीके से आ जाएगा। देखो किस तरीके से, सबसे पहले यहां पर आएगी ड्यू डेट अमाउंट। अब देखो अगर मैं ग्रीन की पेमेंट की बात करूं तो ड्यू डेट क्या कहती है, 6 जनवरी, 6 जनवरी 16, 2 फेब 16 एंड देन 31 मार्च 16। अमाउंट कितना है जी,
6,2,800 और 2,000, 6,2,800 और 2,000, ये सब ग्रीन की पेमेंट की बात कर दी मैंने। अब देखो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, अगेन 6 जनवरी 16, 9th मार्च 16 एंड 20th मार्च 16, ये सब क्या थी? ये सब रेड की पेमेंट थी और ग्रीन की रिसीट थी। मैंने क्या पिक करा है? मैंने ऊपर ध्यान देना, मैंने ऊपर क्या लिखा है? मैंने लिखा है सर ग्रीन की पेमेंट की बात लिखी है। अगर मैंने ग्रीन की पेमेंट की बात कर लिखी है तो जितनी भी ग्रीन की रिसीट्स होंगी उन सबको क्या करूंगा? उन सबको मैं नेगेटिव तरीके से शो करूंगा, तभी तो मेरी नेट पेमेंट निकल पाएगी, तभी तो मेरी क्या निकल पाएगी, नेट पेमेंट कितनी करनी है। तो ये रिसीट्स आ गई उसकी 6,600, 2,400 एंड 500। इस तरीके से पता लग गया कि भैया ग्रीन को नेट में कितना पे करना है। इसको सॉल्व करो तो ये आता है आपका प्लस 1,300, 1,300। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है नेट पेमेंट बाय ग्रीन टू रेड, ग्रीन को कितना पे करना है टू द रेड। हाँ जी, ये समझ में आया आपको कि भाई नेट में हमने निकाल लिया कि भाई ग्रीन का हिसाब, कि ग्रीन को पेमेंट करनी है रेड को 1,300 रुपए। अब रेड के तरीके पे देखो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। आप ग्रीन की पेमेंट भी उठा के चल सकते हो, आप ग्रीन की रिसीट से भी काम कर सकते थे। अगर आप ग्रीन की रिसीट से काम करते तो ये वाली सब चीजें पॉजिटिव हो जाती है और ये वाली ऊपर चीजें नेगेटिव हो जाती है और फाइनली में क्या आ रहा होता, नेगेटिव आ रहा होता। इसका मतलब ग्रीन को नेगेटिव मिलना है, नेगेटिव मतलब मिलना है मतलब ग्रीन को पेमेंट करनी है। आप रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल सकते हो, आप रेड को भी उठाकर काम कर सकते हो, ठीक है जी। किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो, अगेन रेड की पेमेंट भी और रेड की रिसीट भी। हाँ जी, अब यहां पर हमें बेस डेट लेनी पड़ेगी। अब देखो जितनी भी डेट्स दे रही है आपको सब में से एक ही डेट को बेस मानना है। बताओ मुझे बेस डेट क्या लू? जो अर्लीस्ट डेट है सर उसे बेस डेट ले लो, यानी कि 6 जनवरी इज योर बेस डेट, एज्यूमिंग 6th जनवरी 16 एज बेस डेट। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, कि भैया बेस डेट से कितने नंबर ऑफ दिन बनते हैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। ये तो जीरो हो गया, ये वाला डे भी जीरो हो गया। अब बताओ 6th जनवरी से 2nd फेब तक, बताओ जी जनवरी का 31 माइनस 6 प्लस 2, 27 हो गया जी। 6th जनवरी से 31 मार्च तक, जनवरी के 31 मार्च, 25 जनवरी, फेब के उसमें क्वेश्चन में बोला होगा। अच्छा, इसमें दे रखा है कि फैब के आपको 28 दिन लेने हैं, अदरवाइज ये लीप ईयर था 2016 तो आप 29 भी ले सकते थे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। अब यहां पर 28 दे रखे तो फैब के 28 लूंगा मैं, तो जनवरी के हो गए 25, फैब मार्च के 31, ये हो गया 84। ये बताओ जी 9th मार्च, 25, 28 और 9, 62। 20 मार्च, 25, 28 और 73 अमाउंट, और सॉरी प्रोडक्ट, बताओ जी ये जीरो हो गया। देन 2,800 × 27, 75,600, देन 2,000 × 84, 168, ये जीरो हो गया। 2,400 × 62, 148,800, देन 20 मार्च, सॉरी 500 × 73, 500 × 73, एक मिनट, 500 × 73, 36,500, 36,500, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। बताइए जी प्रोडक्ट का टोटल, प्रोडक्ट का टोटल, प्लस ये माइनस करो, फिफ्टी एट थाउजेंड
300, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। बताओ जी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, दैट इज 6 जनवरी 16 प्लस 58,300 डिवाइडेड बाय 1300 डेज। या था आपका 45 डेज, तो 6 जनवरी 16 में ऐड करो 45 डेज। किस तरीके से ऐड करोगे, 45 में से मार्च जनवरी के कितने थे, 25 दिन अवेलेबल थे, तो ये आ गई आपकी 20 फेब, 20th फेब 16। तो अभी आपका आंसर पूरा नहीं हुआ, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेंस ग्रीन विल हैव टू पे रुपीज 1300 टू रेड ऑन 20th फेब 16, सो दैट देर विल बी नो लॉस टू द आइदर पार्टी। आया पॉइंट समझ में? चलो जी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दो पार्टीज दे रही होती है, आपस में अकाउंट सेटल करना होता है, तो हम दोनों को क्लब कर लेते हैं और किसी भी एक पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। अगर आपको बीआरबीपी दे रखे हो, मतलब बीआर मतलब पैसा मिलना है, बीपी मतलब पैसा पे करना है, तो आप सारी चीजों को अगर एक साथ सेटल करोगे तब भी आप काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं बीआरबीपी पे ही आ रहा हूं। पहले जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है उसको मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। होमवर्क का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट। ठीक है जी, 1 मंथ का क्रेडिट है, ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, और वो कह रहा है 1 महीने का क्रेडिट है। तो 1 महीने का क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट 1 महीना आगे बढ़ जाएगी। अब ध्यान रखना, 3 दिन यहां पर ग्रेस के ऐड होंगे या नहीं होंगे, आंसर इज नो ग्रेस डेज। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, नॉर्मल बिल्स है। ठीक है जी, तो ये गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई है, ये गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स है, तो दोनों को क्लब करके मेरे हिसाब से अब आप काम कर सकते हो, कैलकुलेट द डेट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आपका बीआरबीपी का क्वेश्चन है। देखो वो क्या कहता है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन। ठीक है जी, मनोज के पास कुछ बीआर है, कुछ बीपी है सोहन से, मतलब सोहन से कुछ पैसे लेने हैं और सोहन को कुछ पैसे देने हैं। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक ऐसी डेट बतानी है जिस दिन पर सारा अकाउंट सेटल हो जाए, मतलब बी आर है तो पैसे लेने हैं, बीपी है तो पैसे देने हैं, तो मतलब दोनों को नेट करके एक आप डेट बताओ कि किस डेट पर पेमेंट हो जाए, सो दैट नाइदर पार्टी इज एट लॉस। अब आपको क्या गिवन है यहां पर, देखो डेट्स गिवन है और ये बी आर है और ये इनका टेन्योर है, ऐसे डेट्स गिवन है, बीपी है और उसका टेन्योर है, तो डेट से आप ड्यू डेट निकाल सकते हो। बीआर है, बीपी है, सब आपको टेन्योर दे रखा है, ये सब आप काम कर सकते हो। किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं मैं, बीआर को पॉजिटिव लेके चलता हूं, मतलब जो पैसा लेना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। फॉर बिल्स रिसीवेबल्स मैं बीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूं। अब देखो दोनों मुझे क्लब कर लेने हैं, तो ड्यू डेट लिख के साथ साथ ड्यू डेट भी निकाल के चलेंगे, अमाउंट। ठीक है जी, अगर बीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो बीआर को पॉजिटिव ले लो और बीपी को नेगेटिव ले लो। तो पहला है आपका 1 जून को 3 महीने का बीआर, 1 जून को 3 महीने का 3000 का बीआर। मुझे बताओ 1 जून में, डेट यहां पर निकाल देता हूं, 1 जून में अगर आप 3 महीने ऐड करो और 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करो तो ये क्या निकल के आती है, ये निकल के आएगी 4 सितंबर, तो ड्यू डेट विल बी 4 सितंबर 16, अमाउंट इज 3000। ठीक है जी, उसके बाद फिफ्थ जून को 3 महीने का बीआर, 5th जून को 3 महीने, 3 महीने 3 दिन, यानी कि ये हो गया 8 सितंबर, 8 सितंबर को 2500 होगा,
8 सितंबर 16 को 2500 का बियर, उसके बाद 9 जून में एक महीना, 9 जून में एक महीना तो बन जाएगा 12 जुलाई, 12 जुलाई को 6000 का, 12 जुलाई को 6000 का बियर, 12 जून में 2 महीने, 6 7 8, ये बन जाएगा 15 अगस्त। तो 15 अगस्त नीचे दे रहेगा, पब्लिक हॉलीडे, वैसे भी हम पब्लिक हॉलीडे ही मानेंगे, ठीक है जी। तो ये 15 अगस्त हो गया, तो हम क्या ले लेंगे, 14 अगस्त ले लेंगे। तो 14 अगस्त 16 कितने का है, ये 1000 रुपये का। उसके बाद 20 जून को 3 महीने का, तो ये हो गया 20 21, 23 सितंबर, 23 सितंबर को कितने का बी आर है, ये 1500 का बी आर है। ये बी आर ले लिया मैंने, अब बीपी को क्या लूं, बीपी को सर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेना शुरू करिए। 29 मई को 2 महीने का, मई जून जुलाई, और ये हो जाएगा, ये अगस्त में पहुंच जाएगी डेट। 29 मई में आप 2 महीने ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 30, 2 अगस्त, ये बनेगी आपकी 2 अगस्त। 2 अगस्त को आपकी डेट रहेगी 5 6 7, 2000 रुपये का। 29 जून, 30 जुलाई, 31 एक पड़ेगी मेरे ख्याल से, 1 अगस्त करनी पड़ेगी ना इसे, 1 अगस्त। उसके बाद 3 जून में ऐड करो 3 महीने, 3 जून में 3 महीने हो जाएगा 6 सितंबर, और नीचे दे रखा 6 सितंबर वॉज ऑल्सो अ सडन हॉलीडे, तो अगली डेट पर जाएगी 7 सितंबर, 7 सितंबर 16, ये हो गया आपका 3000 का बीपी है ये, सॉरी। तो बीपी है तो नेगेटिव ले लो, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ओके। उसके बाद 9 जून में एक महीना, तो ये हो जाएगा 9 10, 12 जुलाई, 12 जुलाई को आपका बीपी होगा कितने का, 6000 का बीपी हो गया आपका, 6000 का बीपी हो गया। आगे बताओ, देखो नेट में कितना निकलता है अमाउंट, नेट में अमाउंट बताओ, तो ये निकलेगा 3000 प्लस 2500 प्लस 6000 प्लस 1000 प्लस 1500 माइनस 2000 माइनस 3000 माइनस 3000। इसका मतलब क्या हुआ, ये शो कर रहा है नेट में कितना हो गया, 3 4 5, 5 6 11 12 14, 6 हजार, ठीक है। 3000 रुपये क्या शो कर रहा है, 3000 रुपये मिलने हैं, बी आर इज एक्सेस देन बीपी, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 3000 रुपये मिलने हैं। अब यहां निकालते हैं नंबर ऑफ डेज, बेस डेट क्या लूं, एज्यूम बेस डेट टू बी, क्या ले बताओ इसमें से, बेस डेट, अर्लीएस्ट डेट, अर्लीएस्ट डेट क्या है इसमें, अर्लीएस्ट 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 आपकी आती है 12 जुलाई, ठीक है जी, 12 जुलाई को बेस डेट लिखते हैं, टू बी 12th जुलाई 16, 12 जुलाई से निकालो, एक तो ये जीरो हो गया, दो जगह थी ना 12 जुलाई, एक ये जीरो हो गया, ठीक है जी। अब बताओ 12 जुलाई से 4 सितंबर तक के कितने दिन बनते हैं, जुलाई 31 माइनस 12, जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया 54, ये हो गया आपका 54। उसके बाद 12 जुलाई से 8 सितंबर तक कितने दिन बनते हैं, 31 माइनस 12, अगस्त सितंबर 58, 12 जुलाई से 14 अगस्त, 33, 23 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया आपका 73, 1 अगस्त, अगस्त 20, 7 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 57, और ये हमने ले लिया था, प्रोडक्ट निकालो,
3,000 × 54 हो गया 1,62,000। उसके बाद 25 × 58 145, ये हो गया 0। 33,000 देन 1,500 × 73 109,500, 2,000 × 20 -40,000, 3,000 × 57 171 -, ये हो गया 0। प्रोडक्ट का टोटल हो गया आपका 238,500। ठीक है जी, अब देखो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, दैट इज 12 जुलाई 16 प्लस 238,500 डिवाइडेड बाय 3,000, ये हो गया डेज। बारह जुलाई सोलह प्लस ये हो गया आपका 80 डेज। 80 डेज ऐड करो इसमें, 12 जुलाई में 80 डेज, 80 माइनस जुलाई के थे हमारे पास 19, अगस्त 30 सितंबर क्या आती है जी, 30 सितंबर 16। तो लिखोगे क्या? हाँ जी, स्टेटमेंट विल बी पर्सन्स के नाम पर चाहिए मुझे इसमें। पर्सन के नाम क्या कहते हैं, पर्सन्स के नेम थे मनोज एंड सोहन, हेंस मनोज विल रिसीव रुपीज 3,000 ऑन 30 सितंबर 16, सो दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। ठीक है जी, बताओ बच्चे क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी, इसी के साथ हमारा एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर होता है कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया चैप्टर को, अब इसमें कोई भी आपका कंसेप्ट बचा नहीं है। हाँ जी, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसको जरूर ट्राई करना, सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर आपको ये सारे टेक्निकल क्रिटिकल क्वेश्चन समझ में आ गए तो वो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलेगा, तो बिल्कुल भी ये छोड़ने का चैप्टर नहीं बनता, वेरी 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 स्कोरिंग। ठीक है जी, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।